नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रैना। न्यूज टुनाइट में दिखाते हैं आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से, संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। इस बिल को दो दिन पहले ही जेपीसी ने मंजूरी दी थी। आपको बताएं, समिति ने बिल में कुल 234 संशोधन किए हैं। अब बिल को मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पास कर दिया जाएगा। अब सरकार इस बिल को बड़े रिफॉर्म के तौर पर देख रही है। दरअसल जेपीसी के सुझाव के बाद बिल में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का क्लॉज जोड़ा गया है। इससे बकायेदारों की विदेशों में मौजूद संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। साथ ही बिल में लेबर लॉ को प्राथमिकता भी दी गई है। महत्वपूर्ण एक और क्लॉज ये कि दिवालिया होने की स्थिति में फिलहाल कंपनी पर बकायेदारों का पहला हक होता है, लेकिन अब लेबर या कर्मचारी का पहला हक होगा और उनका बकाया पहले दिन पहले दे दिया जाएगा। उसके बाद ही बैंक जैसे क्रेडिटर्स अपना बकाया वसूल पाएंगे। और खास बात सबसे ये कि कांग्रेस भी बिल का समर्थन करेगी, तो ऐसे में रास्ता इस बिल का साफ ही माने। तो कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बैंकरप्सी कोर्ट को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे स्टार्टअप इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। निर्मला सीतारमण से एक्सक्लूसिव बात की जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। इंतजार कर रहे हैं कि पार्लियामेंट इसको पारित करेंगे, क्योंकि भारत देश में आप पहले उदाहरण ले लीजिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का। स्टार्टअप में लोग जितने होशियारी से और जितने इंटरेस्ट से वो स्टार्टअप बिजनेस करवाने के लिए आते हैं, कई बार जल्दी वो बंद भी करवा के चले जाना चाहते हैं, मगर एग्जिट क्लियर नहीं होता। ये कोड आने में वो सुविधा भी होगी, जिससे हम बिजनेस बंद करने में नेगेटिव कुछ नहीं है, लीगली बंद करें और नया भी शुरू भी कर सकते हैं, मगर एक कानून ना रहने के कारण बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसलिए हम मानते हैं कि ये अभी तो कमेटी से आ गए, अभी पार्लियामेंट में पारित होना हम सबको इसमें अच्छा है। मेंबर्स ने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को इंक्लूड किया है, जिसमें जिस कंपनी के फॉरेन में उनको अटैच करने में आसानी होती है। बिल्कुल, अभी लगातार हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से बहुत सारे ऐसे बिजनेस फेलियर्स होते हैं। चाहे आप मान लीजिए जेन्युइन फेलियर्स हो तो भी उनके प्रॉपर्टी अटैच करने में बहुत दिक्कत होता है। विजय माल्या जैसे केस है, वो जेन्युइन हो ना हो उसमें मैं नया आ रही हूँ, फिर भी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए इस कानून से सुविधा हो। बड़ी खबर का रुख करते हैं गोल्ड स्मगलिंग को लेकर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूपीए सरकार को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि यूपीए सरकार की नीतियों के चलते ही गोल्ड की तस्करी में भारी इजाफा हुआ है। संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि 80-20 स्कीम को लागू कर यूपीए सरकार ने गोल्ड इम्पोर्ट सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में सौंप दिया, जिससे सोने की तस्करी बेतहाशा बढ़ गई। 2013 में आपने 80-20 स्कीम लागू की थी, जब सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, और उस स्कीम के तहत कहा कि जो व्यक्ति वही इंपोर्ट कर सकता है जो 20% जेवर बना के बाद में री इंपोर्ट करेगा, तो छोटे आदमी का तो बिल्कुल व्यवसाय बंद हो गया था। 16 मई और 26 मई के बीच में एक आदेश पास हो गया कि केवल स्टार, पहले बैंक्स जो थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो सोना इंपोर्ट करते थे, अब केवल स्टार एक्सपोर्टर्स, स्टार हाउसेस जो हैं वो करेंगे, और 6 या 7 लोगों के हाथ में सारा गोल्ड का इंपोर्ट दे दिया गया था। उन दोनों कदमों का असर यह हुआ कि ऑफिशियल इंपोर्ट कम हो गया और स्मगलिंग ज्यादा हो गई। आज की तीसरी बड़ी खबर, सरकार 1 मई को रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके तहत राज्यों को रियल एस्टेट रेगुलेटर बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा और कानून लागू करने में 1 साल का वक्त लग सकता है। राज्यों में विवाद निपटारे के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। हालांकि राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहे तो विवाद निपटारे के लिए अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। साथ ही राज्यों की ओर से नियम तय होते ही राज्य और केंद्र रियल एस्टेट डेवलपमेंट ट्राइब्यूनल का भी ऐलान करेंगे।
रियल एस्टेट के नए कानून के दायरे में सभी प्रोजेक्ट आएंगे। अगर उपभोक्ता राज्य के रियल एस्टेट अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं हो तो केंद्रीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। साथ ही 30 अप्रैल 2017 तक रियल एस्टेट रेगुलेटर के लागू होने की उम्मीद है। फर्स्ट में आई एम गोइंग टू नोटिफाई द रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल। द मोमेंट द नोटिफिकेशन इज डन everybody will come under the purview of that, so they have to fall in line and fulfill the promises they have made. तो एक बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है यहाँ पर तमाम उन परेशान ग्राहकों के लिए जो कि बिल्डर से परेशान है। अब क्या खासियत है रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल की, ये भी आपको हम बता दें। 500 स्क्वायर मीटर या फिर 8 फ्लैट से बड़े प्रोजेक्ट अब इस बिल के दायरे में आएंगे। प्रोजेक्ट की 70% रकम अलग खाते में बिल्डर को रखनी होगी, ये जरूरी बनाया गया। डिफॉल्ट की स्थिति में हर्जाने पर कोई फर्क नहीं होगा, डेवलपर्स ग्राहक को एक जैसा हर्जाना ही देना होगा, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं चलेगी। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में खराबी की जिम्मेदारी 5 साल की रखी गई है। साथ ही बिल में सुपर एरिया और कॉमन एरिया का भ्रम खत्म होगा। बिल्डर को ग्राहक को बताना होगा कि कॉमन और सुपर एरिया में क्या अंतर है। घर की कीमत कारपेट एरिया के आधार पर ही तय होगी, ये क्लियरली मेंशन होगा। बायर्स की मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट के प्लान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे बाद में ग्राहक को कंफ्यूजन हो। नया रेगुलेटर बिल पुराने नए प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। तमाम उन ग्राहकों के लिए एक संजीवनी लेकर ये बिल सामने आएगा, जिसमें पुराने और नए ग्राहक दोनों परेशान हैं। अब बड़ी बातें क्या है इस बिल की, रियल एस्टेट रेगुलेटर सेबी की तरह काम करेगा, जो कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। वैसे रियल एस्टेट रेगुलेटर रियल एस्टेट जो है सेक्टर के लिए काम करेगा। सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटर का गठन भी किया जाएगा। साथ ही राज्यों के रेगुलेटर के साथ काम करेगा, जो एक सेंट्रल रेगुलेटर बनाया जाएगा, उसमें सामंजस्य बिठाने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का डेवलपर्स पर लगातार दबाव बनता रहेगा, जिससे पोजेशन में देरी ना हो। नया कानून रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट पर लागू होगा, इसके दायरे में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट लाए गए हैं। तो ये खासियत है रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल की। वहीं एक और बड़ी खबर ये आई कि यूनिटेक के जो दो एमडी है अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुना दी। इसके अलावा दोनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ सजा सुनाई गई है। कमीशन ने अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को एक ग्राहक को उसके फ्लैट का पैसा वापस लौटाने के साथ जुर्माना भरने का आदेश दिया था। यूनिटेक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कोर्ट ने दोनों एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। ये भी बताएं कि फिलहाल दिल्ली में रहने वाले वरुण बख्शी और उनकी पत्नी मनदीप संघा ने जुलाई 2011 में मोहाली के सेक्टर 97 में यूनिटेक यूनिवर्ल्ड सिटी में एक फ्लैट बुक किया था। पति पत्नी ने यूनिटेक को 49 लाख रुपए भी जमा करा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फ्लैट का पोजेशन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कमीशन का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद ये आदेश सामने आया। कॉस्मिक ग्रुप बिल्डर का भी एक और फ्रॉड सामने आया है। आज अखबारों में सूर्या ज्योति सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से एक पब्लिक नोटिस निकाला गया, जिसमें कहा यह गया कि नोएडा के सेक्टर 154 में जिस जमीन पर कॉस्मिक बिल्डर कॉस्मिक मास्टरपीस नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का दावा कर रहा है, उस जमीन पर उसका कोई अधिकार ही नहीं। पब्लिक नोटिस में दावा किया गया है कि सूर्या ज्योति सॉफ्टवेयर कंपनी के पास ही उस जमीन का अधिकार है, और जो अग्रीमेंट उसने कॉस्मिक ग्रुप के साथ साल 2013 में किया था वो रद्द कर दिया गया है। यानी अब उस जमीन पर कॉस्मिक ग्रुप का कोई हक नहीं है। कॉस्मिक बिल्डर ने कॉस्मिक मास्टरपीस प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च किया था। अब बायर्स का यह आरोप है कि ये पब्लिक नोटिस महज दिखावा है, बायर्स के साथ धोखा है, क्योंकि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि ये जिसके नाम अथॉरिटी से जमीन अलॉट हुई है, ना वो उसे किसी और को बेच सकता है और ना ही किसी को वो लीज पर दे सकता है। आज की एक और बड़ी खबर जुड़ी है विजय माल्या से। बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग चुके विजय माल्या की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है। माल्या का पासपोर्ट रद्द करने के बाद अब विदेश मंत्रालय ने उन्हें उनके डिपोर्टेशन के लिए ब्रिटेन को चिट्ठी लिख दी है। विजय माल्या अभी लंदन में है। भारत में पेश होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माल्या के वकील ने कहा कि वो भारत नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। माल्या ने विदेश की अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से भी मना कर दिया। माल्या पर 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है।
ईडी के 3 बार समन के बावजूद भी माल्या पेश नहीं हुए थे। टुडे द मिनिस्ट्री हैज रिटन टू द हाई कमीशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन दिल्ली रिक्वेस्टिंग द डिपोर्टेशन ऑफ श्री विजय माल्या सो दैट हिज प्रेजेंस कैन बी सिक्योर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट हिम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आर हाई कमीशन इन द यूके विल ऑल्सो बी इशूइंग अ सिमिलर नोट वर्बाल टू द यूके फॉरन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस। किंगफिशर हाउस की नीलामी नाकामयाब होने के बाद बैंकों ने अब माल्या की कंपनी किंगफिशर का ट्रेडमार्क नीलाम करने का फैसला किया है। बैंक किंगफिशर लोगो, उसकी फेमस टैगलाइन फ्लाई द गुड टाइम्स की ऑनलाइन नीलामी 30 अप्रैल को करेंगे। बैंकों की तरफ से एसबीआई कैप्स की सब्सिडियरी एसबीआई कैप ट्रस्टी ये नीलामी कंडक्ट करेगी। बैंकों ने इसका रिजर्व प्राइस 366 करोड़ रुपए रखा है, जिसमें फ्लाइंग मॉडल्स, फ्लाई द गुड टाइम्स, फन लाइनर, फ्लाई किंगफिशर, फ्लाइंग बर्ड डिवाइस भी शामिल होंगे। माल्या ने लोन लेते वक्त ट्रेडमार्क को गिरवी रखा था। अब आपको बताते हैं कि आज शेयर मार्केट का क्या हाल रहा। कमजोर ग्लोबल संकेतों और एक्सपायरी के दबाव से बाजार में तेज गिरावट आज देखने को मिली। आज सेंसेक्स 461 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 133 अंक गिरकर 7,850 के नीचे बंद हुआ। दरअसल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी से एशियाई बाजार निराश हुए हैं, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। दिग्गज शेयरों के साथ ही बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी देखने को मिली और सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, फाइनेंस, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में दिखी। वहीं आज रियल्टी शेयरों में तेजी भी देखने को मिली है। मेरे सहयोगी रजत मेरे साथ जुड़ गए। रजत, क्या वजह रही आज मार्केट में गिरावट की? बिल्कुल, कहाँ बात कर रहे थे कि 8,000 का लेवल ब्रीच होगा और अगली सीरीज की शुरुआत बहुत बेहतर रहेगी, सीरीज की एक्सपायरी बहुत बेहतर करने की, लेकिन बिल्कुल यू टर्न, ऊपरी सिरों पर एक जोरदार बिकवाली। बैंक ऑफ जापान पॉलिसी बैठक एक तो वो कारण रहा ही, लेकिन कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा हो गया एक्सपायरी वाले दिन और दिन के निचले स्तर पे 7850 के लेवल को भी तोड़ गए। सबसे ज्यादा डेंट पड़ा हिंडालको एचसीएल टेक के नतीजों के बाद ये शेयर टूट गया। एनएमडीसी से स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए। गेनर्स में येस बैंक, आईडिया सोलर, आयशर मोटर्स, कोई 8 स्टॉक्स निफ्टी के ऐसे होंगे जो हरे निशान में बंद हुए। रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स बिल्कुल बिकवाली की चपेट में। सबसे ज्यादा मेटल माइनिंग स्टॉक्स टूट रहे थे, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडालको, ये स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे। इसके अलावा तेल गैस शेयर में बिकवाली, यानी कॉमोडिटी प्ले नेगेटिव हुआ मार्केट पे आज। केन इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स पे आज बिकवाली देखने को मिली। एफएमसीजी और आईटी दोनों ही क्षेत्र में आज बिकवाली ज्यादा देखने को मिली थी। एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर्स, एचयूएल, आईटी से जैसे स्टॉक्स टूट रहे थे। चुनिंदा पॉकेट्स रियल एस्टेट, स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी आज। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एचडीआईएल, पेनिनसुला लैंड्स, कभी कभी होता है बाजार दिन के निचले स्तर पे हो और ये स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पे बंद हो रहे हो। इसके अलावा केपीआईटी टेक, सीए, डायमंड पार, ब्लिस, जीवस जैसे चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर देख के पता चलता है कि ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग है। 8,000 का लेवल बहुत दूर रह गया, अब 7800 के लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं कल के सत्र में। शुक्रिया रजत। और इस गिरावट के बाद जानकार क्या कहते हैं, क्या आउटलुक है उनका मार्केट को लेकर, ये भी जानते हैं। मार्केट काफी ऊपर उठ चुका है पिछले, जैसे मैंने कहा पहले 6 हफ्ते में काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है बाजार में। अर्निंग्स कोई खास आने की उम्मीद नहीं है और अभी पार्लियामेंट सेशन ऑन है, तो अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आ जाती इमर्जिंग मार्केट की तरफ, तो मेरे हिसाब से रुख थोड़ा एटलीस्ट इनिशियली सॉफ्ट रहेगा। और आज आईडिया सेल्यूलर का चौथी तिमाही का नतीजा भी आया और इसमें आइडिया का कंसोलिडेटेड मुनाफा 764 करोड़ रुपए से घटकर 576 करोड़ रुपए रहा है। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी की आय 5.5% बढ़कर 9,484 करोड़ रुपए रही है। वहीं इसी तिमाही में कंपनी का एबिटा मार्जिन 34.7% से बढ़कर 38.1% रहा है। कंपनी ने 60 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी और जीवन फाइनेंशियल का आईपीओ आज खुल गया। आईपीओ 2 मई को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 207 से 210 के बीच तय किया है। आईपीओ से कंपनी के 358 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी को पहले ही स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल चुका है। इस बीच थायरोकेयर का आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। थायरोकेयर के आईपीओ के जरिए 479 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका आईपीओ कल बंद होगा। थायरोकेयर ने आईपीओ का प्राइस बैंड 420 से 446 रुपए रखा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मेडिकल में एडमिशन के लिए देश भर में अब सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेशन से नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू करने पर मोहर लगा दी है। देश के सभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए एक कॉमन टेस्ट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसी साल से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार,
MCI और CBSE को बुधवार को ही निर्देश दिया था कि वो आज शेड्यूल लेकर आएं। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि साल 2016-2017 के सत्र के लिए ये टेस्ट इसी साल आयोजित करवा लिया जाएगा। सुनवाई में तीन जजों की बेंच के सामने संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट ने याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्र और MCI जानबूझकर ये टेस्ट इस साल नहीं कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सिर्फ 888 रुपए का एक एंड्रॉइड फोन। शायद आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन 888 रुपए में एंड्रॉइड फोन देने का दावा कर रही है जयपुर की कंपनी डॉकहॉस। और पहली बार इस कंपनी का नाम भी आप सुन रहे होंगे। दरअसल कंपनी का दावा है कि 4 इंच का डॉकहॉस X1 मोबाइल फोन एंड्रॉइड 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। फोन में 1 GB की रैम है, 4 GB का स्टोरेज होगा जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकेगा। साथ ही कंपनी फोन में ड्यूअल कोर प्रोसेसर देने का भी दावा कर रही है। कंपनी का यह भी दावा है कि फोन में फ्रंट और रियर कैमरा होगा। कंपनी फोन के ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही SMS से भी बुकिंग कर रही है। साथ ही कंपनी ने यह कहा है कि वो 2 मई से फोन की डिलीवरी भी दे देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है? अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब सवाल यह भी है ऐसे में कि 888 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए तो नहीं किया जा रहा और निवेशक एक बार फिर से धोखा ना खा जाए। आपको यह भी सुनाते हैं कि डॉकहॉस के चेयरमैन का इस सस्ते स्मार्टफोन पर क्या कहना है। सर अच्छी हमारे पास एक अच्छी हमारी मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में वो हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी और बुकिंग्स आ रही हैं। कल हैवी ट्रैफिक के कारण से हमारा जो है सर्वर कई बार क्रैश हो चुका था, बट अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है और अच्छी बुकिंग्स आ रही है। सर देखिए सर, हम जैसे और कंपनियों ने किया कि उन्होंने जो भी किया जैसा भी पैसा पहले लिया, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी टोटली है, कस्टमर को जब फोन मिल जाएगा उसके बाद ही वो पेमेंट करेगा, तो इसलिए फ्रॉड का तो कहीं कोई बनता ही नहीं। आज भारत के लिए एक और गौरवान्वित पल सामने आया जब अंतरिक्ष में भारत ने बड़ी छलांग लगाई। भारत को अपना GPS जो मिल गया है। नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1G को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। IRNSS क्लास का 7वां और आखिरी सैटेलाइट लॉन्च होने के 20 मिनट बाद कक्षा में स्थापित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेबकास्ट के जरिए इस लॉन्च को देखा। PM ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए इस सैटेलाइट को देश के नाविकों और मछुआरों को समर्पित किया। उन्होंने सैटेलाइट को नाविक नाम भी दिया। हमारे रास्ते हम तय करेंगे, कैसे जाना, कहां जाना, कैसे पहुंचना, ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। सारी व्यवस्था हमारी ये GPS सिस्टम नाविक नाम से जानी जाएगी। IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। पहला IRNSS जुलाई 2013 में लॉन्च किया गया था। सभी 7 सैटेलाइट को लॉन्च करने पर लगभग 910 करोड़ का खर्च आया है। भारत दुनिया का 4था देश बन गया है जिसके पास पूरी तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास अपना नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। एक और बड़ी खबर में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत लेने वालों का नाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा है। अमित शाह के मुताबिक घूस देने वाले जेल में हैं, लेकिन घूस लेने वालों का नाम देश को पता चलना चाहिए। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि इटली की कोर्ट में घूस देने वाले जेल में है तो घूस लेने वाले कहां है, उस वक्त कौन शासन में था। अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर सोनिया के बयान पर अमित शाह ने कहा कि भले ही वो किसी से नहीं डरती, लेकिन बीजेपी संविधान और लोकलाज दोनों से डरती है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले सभी नेता, हम तो संविधान से भी डरते हैं, हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं। कांग्रेस ने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्वत लेने वालों का नाम पूछें। आनंद शर्मा ने अमित शाह को मर्यादा की दुहाई दी है। वो सत्ताधारी दल के अध्यक्ष हैं, उनको सोचकर ये बात कहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोम की मूर्ति लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में स्थापित हो गई। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोम की मूर्ति स्थापित हो गई है। पीएम मोदी का स्टैचू अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन के बीच रखा गया है। पीएम मोदी इस मूर्ति में क्रीम कलर के कुर्ते, पैजामे और जैकेट में हाथ जोड़े खड़े हैं। 20 अप्रैल को पीएम ने दिल्ली में अपनी इस मूर्ति को देखा था और मैडम तुसाद म्यूजियम के कलाकारों की तारीफ की थी। कला का सवाल है, आप लोग माहिर हैं, आपकी टीम माहिर है और जो काम ब्रह्मा जी करते हैं वो काम आप कर रहे हैं।
पीएम मोदी की मोम वाली मूर्ति बनाने में 4 महीने का वक्त और करीब 1.5 करोड़ रुपए लगे हैं। मोदी की मोम की मूर्तियां सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में भी रखी जाएंगी।